कासगंज केंद्र सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश पास किया गया है, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने प्रांतीय आह्वान पर आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते आज कासगंज में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे ने किया है। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के सैकड़ों पदाधिकारी व नगर के बलराम गेट से पैदल मार्च निकालकर सोरो गेट स्थित 12 पत्थर मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कासगंज उपजिलाधिकारी ललित कुमार को राष्ट्रपति संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे ने कहा कि यह कृषि अध्यादेश उद्योगपति एवं कंपनियों के हित में है और किसानों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसान बंधु मजदूर बनकर रह जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों को कुछ कंपनियों व उद्योगपतियों के अधीन कर देश के किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन सरकार को 30 सितंबर तक यह अध्यादेश वापस करने का समय देती है, अन्यथा स्थिति में किसान सड़कों पर उतरकर या करो या मरो के साथ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरकार के खिलाफ क्या कुछ मामला रहा है और किन मांगों को लेकर? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा ये विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, कि केंद्र सरकार द्वारा जो ये कोरोना काल में ये कृषि विरोधी बिल लाया गया है, मजदूर विरोधी बिल लाया गया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि MSP रेट का अधिनियम बनाकर एक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। किसान इसमें संतुष्ट है, न कि मंडी और स्टॉक का आप वो बना रहे हैं, उससे किसानों को बर्बाद होगा। चंद उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए पूरे देश को मधुआ और गुलाम मजदूर बनाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। इसके लिए ये किसान 30 तारीख तक का समय केंद्र सरकार को देते हैं इस पर विचार करने का। अगर 30 तारीख तक इस अध्यादेश पर विचार नहीं किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन भानु 1 अक्टूबर से उग्र आंदोलन करेगी और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर रोड जाम और चक्का जाम करने का काम करेगी। एक तरफ केंद्र प्रदेश सरकार कहती है हमारी किसान हमारे हितैषी हैं, किसान हमारे संग है, लेकिन एक तरफ अध्यादेश लाके किसान को ऊपर धरनी तपाई जा रही है। ये जब कोरोना काल आया था तो हर उद्योग धंधा फेल हो गया, टीवी कूलर पंखा बनाने वाली कंपनियों में घाटा पड़ने लगा और मोदी जी ने एक आकलन किया, अंबानी जी ने एक आकलन किया कि धनिया मिर्च हल्दी गेहूं आटा चीनी दाल जो किसान उगाता है उसको दूने रोटों पर भी काला बाजारी में लोगों ने खरीदा इस पेट पालने के लिए। रातों दिन मेहनत करने के बाद 2 रोटी चाहिए और वो रोटी जब हमें महंगी मिलेंगी तो हम उस रोटी का क्या करेंगे। इसलिए करो और मरो की है हमारी। इधर कंपनी राज स्थापित कर सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है, छोटे व्यापारियों को बर्बाद करना चाहती है, देश के चंद उद्योगपतियों को लाभ देना चाहती है और ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहती है। इसलिए किसान सड़कों पर उतर जी जान की बाजी लगा देगा और इस अध्यादेश को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सरकार किसान